हार तो हम करते हैं, घर का भी देखना, बाबू भी देखना, और कुछ भी बता दो, हमको भी देखना। ठंडी लगती है हमको, गर्मी लगती है, प्लस माइनस कहाँ से हो पाए। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ बताने वाली हूँ। ये इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टेड है। थोड़ी थोड़ी सी क्लिप आपको दिखा रही हूँ कि आज मैंने सारा दिन क्या किया है, और आगे वीडियो अच्छे से दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइस, अभी बज चुके हैं 10:30 और मॉर्निंग रूटीन अपनी मैंने आपको दिखाई दी थी। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, खाना पीना बना लेती हूँ, और यहाँ पर क्या करती हूँ, लगे हाथ सारी रोटियाँ बना लेती हूँ वहाँ पे, क्योंकि बरगद का पेड़ था तो ठंडक रहती थी, जब जो खाता था उसके लिए बना देती थी। लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि आप सारा दिन किचन में नहीं बिता सकती, इसलिए मैं इकट्ठे ही बना लेती हूँ। और चाय पत्ती मैंने खाली की थी, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा साइड निकाल कर रख देती हूँ, क्योंकि अचानक से जब चाय पत्ती हमारी ख़त्म हो जाती है, चीनी कुछ भी हो, तो ऐन वक्त पे नहीं मिल पाता, तो वही हमारा काम आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग भी कर लिया करिए। और यहाँ पे सारी टिफिन रखी हुई आप देख सकते हैं, तो इनको मैं सारी फिट करके लाइन से लगा दूंगी, ताकि जब भी जैसे किसी के लिए भी इमरजेंसी पड़ जाती है, टिफिन का काम लगता है, तो फिर नहीं मिल पाती ना, इसलिए इस तरीके से लाइन से मैं लगा रही हूँ। सामने रहती हैं तो आसानी से मिल जाती हैं। सारे सामान को उनकी जगह सेट कर दूंगी, और फिर लगे हाँ झाड़ू भी नीचे मार लूंगी, क्योंकि जब आप ऊपर पोछोगे फिर नीचे चिप 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 होता रहता है, तो नहीं अच्छा लगता। और जब भी मैं गैस पोछती हूँ ना, तो लगे हाथ में टाइल पोछ देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी टाइल साफ सुथरा दिखती है, और जो भी खाना पीना बना रहता है, दाल वगैरह का छींटा जाता है ना, तो वो लगे हाथ साफ भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, और इससे आपका काम भी ज़्यादा फैलता नहीं। तो आप गैस साफ करने से पहले नीचे स्लिप साफ कर लेंगे ना, तो इससे आपकी आसानी रहेगी। बताती हूँ क्यों, क्योंकि अगर आप गैस साफ करते हो ना, तो फिर उसमें जो ना तेल वगैरह जो गिरा रहता है, तो वो चिप 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 हो जाता है, वो हर जगह फैल जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले नीचे साफ करती हूँ, और इसको फिर एक अच्छे से पानी से धुल लेती हूँ, तो जितना भी गंदा होता है ना, वो आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर आप गैस साफ करके पानी से धुलते हो ना, तो वो चिपचिपापन नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो तेल सब्जी सब कुछ बनता है ना, इसी वजह से। तो इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और एक बार मैं इसको, जो ये है ना गैस के ऊपर स्टैंड रखते, इसको मैं धुल चुकी हूँ, तो दोबारा तिबारा मैं नहीं धुलती, बस उसको मैं पोंछ के लगा देती हूँ। बस मैं एक ही बार धुलती हूँ सारे दिन में, एक बार। और जब भी ये गंदा होता है ना, तो इसको मैं अच्छे से धुल देती हूँ। अगर कोई सामान गिर जाता है ना, तभी मैं उसको साबुन से फिर दोबारा ले जाकर धुलती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। जहाँ पर हमने सोफ़ा वगैरह रखा है, वहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और बेडरूम में मैंने झाड़ू मार ली है। अब मैं यहाँ पे मार रही हूँ लगे हाथ। और इससे पहले मैंने एक बार सोफ़ा कवर झाड़, मतलब कि सोफ़ा कवर जो है झाड़ चुकी हूँ एक दो बार। अगर आप इससे पहले एक भी बार सोफ़ा कवर नहीं झाड़े हैं, तो पहले सोफ़ा कवर झाड़िएगा, फिर झाड़ू लगाइएगा। क्योंकि जो भी कुछ गंदा वंदा होता है ना, जब आप झाड़ोगे तो वो गिर जाएगा, दोबारा वाला काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं लगे हाथ ये कर लेती हूँ, पहले सोफ़ा कवर झाड़ना है, फिर झाड़ू लगाना है। तो मेरा सोफ़ा कवर तो एक दो बार झाड़ ही चुका है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद जो हमारी गैलरी है बीच की, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये बैग जो है ना, बाबू टांग वांग कर कपड़े भर कर घूमती रहती है, खेलती रहती है। और आप पीछे देख रहे हो ना, आप 5-6 दिन से चावल ये पड़े हैं। कई लोगों से मैंने बोला, लेकिन किसी के पास टाइम ही नहीं है कि इसको ड्रम में खाली कर दें, और काफ़ी भरा है, तो मेरे से होता नहीं है। लेकिन आज मैं इसको करके ही रहूँगी। जो काम कभी नहीं की हूँ ना, तो वो आप करते ही हो। अब ससुराल में भले मायके में आपने वो काम ना किया हो, लेकिन ससुराल में आपको वो काम करने ही पड़ जाते हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ जाती है ना। जब हम पूरा सब कुछ संभालते हैं, तो समझ लो सारी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है, इसी वजह से। तो अब यहाँ पर मैं सोफ़ा कवर सभी को अच्छे से लगा दूंगी, सेट कर दूंगी, जो जहाँ है उनको रख दूंगी। अभी ये ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, अभी देखिएगा 10-15 मिनट में फिर वैसे ही हो जाएंगे। जब आपके घर में बच्चे हैं ना, देख रहे हैं दोनों को, टांग वांग के घूम रही हैं। तो बस हो गया। अब इसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। दोनों को मैंने हड़काया हुआ कि कोई नहीं आएगा, मैं पोछा लगा रही हूँ। जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं डांट के रखती हूँ, क्योंकि फिर वो फिसलने का डर रहता है। और ये जो मैंने मैटी बिछा रखी, काफ़ी ज़्यादा स्लिप करती है पोछा लगने के बाद, तो फिर बच्चे हैं, डर भी लगता है। और वैसे तो जो टाइल वगैरह रहती है, उस पर निशान बन जाता है, लेकिन इस पर निशान नहीं बनता, लेकिन फिसलने का डर रहता है। तो इसी तरीके से फटाफट से मैं पोछा मार लूँगी अच्छे से ही, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम मारेंगे गैलरी में पोछा। इससे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो चावल है इनको मैं पहले ड्रम में खाली करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ सोच रखा था इसे मुझे करना ही करना। मॉर्निंग में मैंने इनको बोला और ये चले गए। पहले मैंने हाथों से इसको आधा खाली किया, और इसके बाद मम्मी को बुलाई हूँ, फिर पकड़ कर पूरी दम लगा दी थी। हालत तो ख़राब हो गई थी, लेकिन कर लिया मैंने।
कर लेते हो, आप सोचोगे आप नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप करने लगो तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और जब ड्रम भर गया था ना तो मैं इसे सरका नहीं पा रही थी, फिर धीरे 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 करके ले गई हूँ, लास्ट में उठा ले गई थी, दम दिखा दिया आज मैंने अपना। इसके बाद बस गैलरी में अपना पोछा लगा रही हूँ मैं, और साइड वाला रूम पापा का है, सामने वाला मेरी देवरानी जी का है, वो उनका है सामने वाला, उसके जहाँ पर पर्दा लगा है वो मेरा है। यहाँ पर हमें लगाना है दरवाज़ा, क्योंकि दोनों तरफ से रास्ता है, खुला है ना, इस वजह से हमने पर्दा वर्दा लगा के जुगाड़ बना लिया है। और इसके जस्ट सामने वाला देवरानी जी का, और ये है किचन। जल्दी दिखाऊंगी आप लोगों को, मुझे पता है आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हो ना, वेट मत करिए, जल्दी दिखाऊंगी। तो बस फटाफट से पोछा लगा ली हूँ, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर अब हम बनाने जा रहे हैं हमारी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी लिया, और उसमें ग्लो की एक ये डंडी आती है कुछ इस तरह की, और मैं नीचे लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। इसको बीच से फाड़ कर अदरक से थोड़ा सा कूच कर इस तरीके से डाल देंगे, और फिर जितना हम चाय में अदरक डालते हैं ना उतना हम इसमें अदरक डाल देंगे। फिर 2-3 गोल मिर्च, 2 लौंग और थोड़ी सी तुलसी पत्ती, इसको अच्छे से उबाल लेंगे, खौला लेंगे। जब ये आधा हो जाएगा 1 गिलास के लगभग, जब हम इसको निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और हमने इसको छान लिया और फिर पी लेंगे। तो गाइस ये देखिए बन चुका है, गर्म है, इसको हम रख देते हैं यहाँ, और जहाँ पर हमने रखा था पन्नी गर्म हो गई है। इसको बिछाने से यही है मैटर कि आप कुछ रख नहीं सकते हो। और एक कप में हम ले लेते हैं, क्योंकि 2-3 चम्मच सभी लोग पी लेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो। और इसको आप सारा दिन आराम से पी सकते हो इस तरीके से। ये देखिए हमने निकाल लिया है, थोड़ा सा और ले लेती हूँ। इम्यूनिटी क्षमता इससे बहुत ही अच्छे से होती, चम्मच तो भूल गए, बाबू को भी पिलाऊंगे, क्योंकि बाबू पीती नहीं, कहते बहुत कड़वा है, लेकिन जबरदस्ती तो उसको देने ही देना है। तो चलिए फटाक से पी लेते हैं हम लोग पहले ये। जब आ जाए यहाँ, क्या कर रही हो ये क्या कर रही हो, गाना गा रही हो? अरे छतरी वाले छतरी दिखा, छतरी वाले तेज गाओ, तेज गाओ, क्या कर रहे हो? सब भाई अभियान लगाए हैं। बाबू पापा क्या कर रहे हैं? दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना। आते ही मान, ये देखिए साफ सफाई अभियान, अपने जीजू का नाम रख दीजिएगा साफ सफाई अभियान। कहाँ ए बेट, यहाँ 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 यहाँ, तुम्हारी कॉपी निकलेगी, ये कॉपी पेस्ट। हल्की हल्की सी रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, और ये कपड़े मैंने रखे थे कि मैं फैलाऊंगी, तो ये आते ही फैला दिए, क्योंकि मैं थक गई थी इस वजह से। हम भी आ जाएंगे तुम्हारी छतरी में, दे दो, हम भी आ जाएंगे तुम्हारी छतरी में। जगह है उसमें है, छाता ले लो, सभी बज रहे हैं शाम के। कितने बज रहे बाबू बताओ? नहीं बताना, बाबू सो रही थी, बाबू सो कर उठ गई है। और कितने बज रहे यार, कितने बज रहे हैं? 4:30 होने वाले, 4:30 होने वाले हैं, और चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है। क्या हुआ, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलो। बाबू सो कर उठती है तो इसी तरह रीरी लगाती है, और चाय पी लिए हैं, और अब ये जाएंगे शॉप खोलने के लिए। आज जो मैंने काढ़ा बनाया था ना, क्या किया था मैंने, बताओ बताओ क्या किया, बताओ। काढ़ा बनाया था, क्या क्यों काढ़ा बनाई थी? तो काढ़ा बना के उसको हमको पिला दी,
काढ़ा बना के हमको पिला दी, कहीं ये लो चाय। काढ़ा बना के तुमको पिला दिए थे? ये झूठ क्यों बोल रहे हो? बोल नहीं कि चाय है। चाय नहीं है, गलती किए थे ये बता, ये तो नहीं बोले। हाँ मतलब वही गलती करके फिर हमने पिया, तीखा की तुमने अभी क्या बोला कि काढ़ा बना के पिला दी हूँ, यही बोले ना? क्या हुआ था मैं बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये हुआ था ना कि मैंने काढ़ा जो बनाया था और उसी में मैंने उसको तोड़ा था, 20 से 2 टुकड़े किए थे अदरक कूदने वाले में, और उसके बाद जब अभी चाय बनाई तो उसी से अदरक कून ली और इनको चाय पिला दी। वही ये बोल रहे हैं काढ़ा बना के पिला दी वो झूठ बोल कर, क्योंकि ये वो नहीं पीते ना, इनकी पता नहीं कौन सी बीमारी, कड़वी चीज़ नहीं पीते ना क्या? नहीं क्या, नहीं कड़वी चीज़ नहीं पीते, मीठा चीज़ खा लेते हैं। तो कड़वी है। तुमको ही कमेंट पढ़ना चाहिए था, इंद्रजीत सिंह का कमेंट पढ़ती हूँ आज मैं। मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग में कभी कभी किसी का कमेंट पढ़ दूंगी, तो उन्होंने कमेंट क्या किया था तुमको पता है? नहीं पता, एक मिनट बताती हूँ उन्होंने कमेंट क्या किया। जी सिंह ने कमेंट किया था, अति आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, जीजू बहुत लकी है। क्यों क्यों तुम हार्ड वर्क करते हो? और क्या बाप रे, हमें नहीं पता। हार तो हम करते हैं। अच्छा हार तुम करते हो, हम क्या करते हैं? हम क्या करते बताओ? कुछ नहीं करती हूँ, सारा काम तो हम ही करते हैं। शॉप भी देखना, घर का भी देखना, बाबू भी देखना, और कुछ भी बता दो, हमको भी देखना। हाँ तुमको भी देखना। सुन लो आप लोग, तुमको भी देखना, हमको भी देखना, ऐसे देखोगे मैं तो मर जाऊंगी फिर तो। मरने नहीं देंगे बसंती, मरने नहीं देंगे बसंती। और तुम क्या वीरू? जय वीरू। तो थैंक यू सो मच इंद्रजीत सिंह ने, आपने इतना प्यारा कमेंट किया, अच्छा लगा मुझे। आपका नाम नहीं पता डियर कि आपका नाम क्या है, मुझे पता है कि आप वोमेन हो, बट आपका नाम नहीं पता है, लेकिन आपकी आईडी से मैं बोल दे रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, और मैंने सोचा कि जो मुझे कमेंट बहुत ही अच्छा लगेगा उनका कमेंट मैं एक दिन पढ़ूंगी, है ना? तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों। तो गाइस अभी बज रहे हैं, रात के कितने बज रहे बताओ? पता नहीं बताओ, ऐसे लगा बच्चा खिलाते हो क्या? मम्मी के चक्कर आ गया। तो अभी रात के बजे 11 लगभग बज रहे होंगे, है ना? 11 बज रहे होंगे। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, बाबू का 5 कपड़े हो गए सुबह से, देखिए। और हम लोगों को इन्होंने घर से बेघर कर दिया है। ऐसे हस्बैंड है कि घर से बाहर, पहले तो रूम है छतरी में पहले तो रूम है, उसके बाद घर से बेघर। ये अंदर वाला डोर, और अभी मैं दिखाती हूँ उन लोग कहाँ। ये देखिए हम लोगों की, देख रहे हैं, देखिए हमको बाबू को और मन्नी को, तीनों लोगों को बेघर कर देंगे। अपने अंदर आराम से सो रहे बेड पे, और हम लोगों को जमीन में सुला रहे ऐसे ना। इनको ठंडी लगती है, हमको गर्मी लगती है, प्लस माइनस कहाँ से हो पाए? तो हम अपना अंदर रहते ही बाहर रहते हैं ना बाबू, मम्मी माइनस है ना? इधर बताओ मम्मी माइनस है ना? ये बताइए आप लोग, अगर मुझे नहीं सूट करती है एसी, तो इन्हें कम कर लेना चाहिए ना? कम तो या बंद कर लेना चाहिए ना? मतलब मैं बिस्तर पे नीचे जमीन पे सो जाऊं, लेकिन इनका ठंडा बनना जाए, ठंडा ठंडा इनको चाहिए। बुराई कर लो, बुराई थोड़ी ना कर रही, तुम्हारे सामने ही बता रही हूँ, है कि नहीं? तुम्हारे सामने नहीं बता रही हूँ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, है ना? चलो आज का ब्लॉग तुम एंड करो। अरे कातो मेरी जाने कातो। तो बस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, अगर आप लोगों को हम लोगों की ब्लॉगिंग अच्छी। अच्छा हाय बोल, चले भी चलो, बोलोगे तभी चलेंगे। रात में 11 बजे घूमना है, कहाँ जाना है? कहाँ चलोगे बताओ, कहाँ घूमोगी? फिर नहीं, फिर नहीं जाएंगे। जाओ कितना घूमोगी? कितना साल बताओ, कितना सारा घूमोगी? कैमरा नहीं देख रहा भाई, आज ब्लॉग का एंड तुम करो, जल्दी से कर दो। ओके बाय बाय। अरे मेरा बाबू चाबी ले तो चलो बोलो। तो गाइस ब्लॉग का एंड यही करते हैं, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ कल।
जो मैं बोल रही पूरा बोलो। तो गाइस ब्लॉग का एंड यही करते हैं, तो गाइस ब्लॉग का एंड यही तो करते हैं और मिलते हैं अच्छे से और वीडियो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। तो सही में बाय बाय, गुड नाइट, ये वाला गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट, तुम्हारा दिल सड़ा हुआ अच्छा नहीं है, है ना? कैसे बना तो चलो अच्छा बना लो, ऐसे नहीं ऐसे दोनों लोग बनाए, चलो अब अच्छा बना है। गुड नाइट, तुम लगी नहीं रहा कि तुमने बनाया है। हाँ चलो अच्छे करो ना, अच्छे अच्छे। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।